एवरीवन, वेलकम टू वन न्यू ब्लॉग। और शाम को हम सब जा रहे हैं, कहाँ बच गए, रात को 8:30 आज सैटरडे को ले जाएंगे, हनुमान जी के दर्शन करेंगे, उसके बाद थक गए हैं तो थोड़ा सा मार्केट घूमेंगे पचमढ़ी का, यहाँ का मार्केट कैसा है, वहीं बाहर ही कुछ खाएंगे, फिर आकर आराम से नींदें पूरी करेंगे, क्योंकि कल हमारी है नेक्स्ट ट्रिप। कल हमें निकलना भी है लेकिन कल का हमारा प्लान है पहले, तो चलिए पहले दर्शन करते हैं भगवान के। पवन सिरहा देव की जय, सुत हनुमान की। लाल लंगूर दानव जनल। अब कहाँ चले? अब चल रहे हैं थोड़ा मार्केट घूमते हैं, वैसे घूमते घूमते अपन खाने चलेंगे। हाँ चल रहे हैं, ये सारे ऐसी भीड़ है अभी शाम को पूरा हो गया, इधर नाश्ता पॉइंट है। अच्छा लग रहा, अभी हम मार्केट को ऐसे घूम रहे हैं, अभी हम लोग निकले हुए हैं मार्केट, होटल के पास में ही है और देखते हैं यहाँ पर मार्केट घूम करके क्या क्या चीजें यहाँ मिलती हैं। मिल रहा क्या? सब मिलती है, नहीं देखना कैसा मार्केट है क्या है। यहाँ अभी सब खा रहे हैं गोलगप्पे। जाओ ज्यादा थकान हो गई है कि अब बस लग रहा है खाना खाएं और जाके बिस्तर में कमर सीधी करें, जिससे कल हम नहीं जा पाए। सुबह से इतने हिल स्टेशन में ऊपर नीचे ना, बहुत चढ़े हैं, ऊपर चढ़ाई में चढ़ना उतरना सब बहुत ज्यादा थक चुके हैं। तब आ चुके हम लोग खाना खाने और खाना खाते हैं, उसके बाद चलते घर आराम करते हैं, फिर सुबह नया सफर शुरू करेंगे। वो भी आपसे शेयर करेंगे कल हम कहाँ जाने वाले हैं। खाना आ गया है और सुबह इतना हैवी हो गया था ना खाना, तो अभी भी लगता है सिंपल क्यों कुछ थी, और सिंपल इतना ज़्यादा रहा नहीं, सुबह सिंपल खाना है और सिंपल है नहीं खाना खाते ही खराब। कितने ये होटल। The next morning. Hello everyone. हम सब है पचमढ़ी में और जोरों की बारिश हो रही है और हम सब जाने वाले हैं चौरागढ़ सावन में शंकर भगवान जी के दर्शन करने के लिए। करीब कहते हैं वहाँ पर 1750 सीढ़ियाँ हैं वहाँ पर। प्लान कर लिए हम, देखते हैं निकलने के बाद भगवान के दर्शन करने पहुँच जाते कि नहीं। पहुँचेंगे पहुँचेंगे, यदि भगवान बुलाए हैं तो हम पहुँचेंगे, जब यहाँ तक आ ही गए हैं तो वहाँ भी पहुँचेंगे। तो बारिश जोरों से हो रही है, आप देख रहे होंगे, तो अभी हमने रेनकोट ऊपर ही रखा हुआ था रूम पे, तो अभी सुबह हम गए हुए हैं रेनकोट लाने के लिए, तो सभी लोग रेनकोट पहन लेते हैं, उसके बाद निकलते हैं यहाँ से, कुछ ब्रेकफास्ट हो जाता है, ब्रेकफास्ट कर लें उसके बाद निकलते हैं हम चौरागढ़ के लिए। ठंडक है, बहुत ज़्यादा ठंडक है। हाँ यार, रियली लगता है कि गर्मियों में तो यही, बारिशों में तो, यानी गर्मियों में तो से लेकर बारिश में तो यही रह लो। हम सुबह सुबह मतलब यहाँ रात को भी हमने एकदम फैन बंद करके सोए थे सब। देव जैसा है ये रेनकोट, नॉटी सा, छोटा सा, नन्हा सा, यही है क्या? ये था आने का, तेज हो गई बारिश।
चलो। तो अभी पापा मम्मी आज सुबह से इतनी तेज बारिश हो रही है कि मुझे रेनकोट पहनना पड़ रहा है। मुझे ये रेनकोट और देव को पहनना पड़ रहा है, पन्नी वाला है। यहाँ पे सिर्फ पन्नी वाला रेनकोट ही मिलता है। तो अब होटल से चेकआउट कर दिया हमने। जय चलते हैं जटाशंकर की ओर। सामान भी हमने रख लिया है। अब बारिश बहुत जोरों की हो रही है। हाँ, काफी ऊंचाई में आ गए अपन, जैसा लग रहा है ना। नीचे देखो ना, पांडे जी कार में है और बहुत ही प्यारा व्यू दिखा तो मैं यहाँ कैप्चर करने लगी। बहुत ही अच्छा लग रहा है, देख रहे होंगे पूरा बादल लग रहे हैं, बगल से निकल रहे उड़ रहे हैं, बहुत ही अच्छा। और बारिश हो रही है वो अलग से। पिथौरागढ़ के लिए आगे कहाँ गाड़ी लगानी पड़ेगी? यहाँ से नीचे जाना है और गाड़ी कहाँ लगानी है? फिर ऊपर चढ़ना पड़ेगा। तो इधर कहीं नहीं है पार्किंग की, यहीं से चढ़ने उड़ने का। फिर वहाँ नीचे चौड़ागढ़ मंदिर, शिव शिव शिव। चौड़ागढ़ के लिए यही लगा कर लेना पड़ेगा पार्किंग। हेलो 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 पार्किंग सर। अच्छा, यही भी देनी है जी? वहाँ तो चेंज है, खुले नहीं हो। लो, अच्छा इसके आगे रोड नहीं है? तो ये अभी बंदर घुस गया था गाड़ी पे और यहाँ पे मम्मी पहनी है शूज। अब ये देव भी पहन लिया रेनकोट। पापा पहली रेनकोट, ये कोट नहीं रेन पन्नी है, ये पॉलीथिन। हाँ, रेन पॉलीथिन। अभी हम लोग जाएंगे, अभी हमको पहाड़ पे चढ़ना है। वो वाले बहुत टाइम लगेगा, 6 घंटे का रास्ता है चौड़ागढ़, आने जाने में 6 घंटे लगेंगे ये टोटल। यहाँ पे मम्मी अभी पहनेगी रेनकोट। हेलो गाइस, अभी हमको बहुत ऊपर जाना पड़ेगा। हम सब रेडी हो गए हैं। हम चौरागढ़, हर हर महादेव, हर हर महादेव। चल रहे हैं अपन पचमढ़ी में चौरागढ़ महादेव जी के दर्शन करने। आ जाओ देव, हर महादेव। हम सब चलते हैं यहाँ दर्शन करने। कितने किलोमीटर चढ़ना है जी, बताएंगे थोड़ा। 3 घंटे चढ़ना है, 3 घंटे आना, 3 घंटे जाना, तब चलते हैं यहाँ से। भगवान भोलेनाथ बोलो, हर हर महादेव। यहाँ पे ले रहे पानी की बोतल, यहाँ पे पानी की बोतल। यहाँ से भी तो जा सकते हैं, ये ऑटो जाम, ये आपको पानी। यहाँ से हमारा मेन जर्नी यहाँ से स्टार्ट होती है। तो यहाँ इनको साथ उठानी है मैगी। तो ये यहाँ पूरी हर जगह स्टॉल ऐसे मिलेगा। हमारे लिए कह रहे हैं नींबू पानी घर पे बनाती है, और मैगी भी तो बनाती है मम्मा घर पे। और नहीं खाया नहीं है, कुछ नहीं। मसाला बना दीजिएगा, चना मसाला है, चना मसाला। पानी पीलेगा ना, व्यू पानी। चाय पीना तुम्हें भी? पीछे अभी हम 4 किलोमीटर की यात्रा करने वाले हैं चढ़ाई पे। पूरे पहाड़ पे हमें चढ़ना है
तो लगी थी बच्चों को भूख, देव को खाना था मैगी देख करके, उसमें होता भी है सीजन भी हो और मैगी जैसा गरम गरम मिल जाए ठंडे से मौसम में, तो बच्चे खा रहे हैं मैगी, हम लोग पी रहे हैं चाय। इसके बाद हम करते हैं अपनी यात्रा की शुरुआत। काफ़ी सारे लोग हैं, काफ़ी लोग आ रहे हैं लौट करके, आप देखिए सारे लोग बेचैन हो रहे हैं। और छः घंटे की हमारी पूरी यात्रा है, तो छः घंटे हम कई सारे के मौसम, कई सारे बारिश, झील, झरने सब देखते हुए महादेव जी के दर्शन करेंगे सावन में। मौका भी अच्छा है, तेज होगी बारिश? अरे ये कुछ नहीं है, ऊपर क्या सिरे कुछ मिल सकती है। तुम लोग खाओ ना, पनीर मस्त बना हुआ है, रियली मजा आ जाता है।